गुप्ता जी, आपका कहना होता है, डॉक्टरों का कहना होता है कि डिस्पेंसरी के या डॉट के अंदर अगर टीबी की एक बार दवाई ना खिलाई जाए या टीबी से दवाई रुक जाए तो लाइलाज हो जाती है। एक तरफ ये भारत को टीबी मुक्त करना चाहते हैं या जिस तरीके की इनके भावना है, तो ये टीबी मुक्त कैसे होगा? सर, यही तो सरकार की उदासीनता है। पहले जब हमने जनवरी में स्ट्राइक करी थी, इन्होंने कहा मार्च तक हो जाएगा, ये पंजाब भाग गए। अब हमें एक बार 24 को बुलाया कि हमने फाइल लिख दी है। ये सरकार बिल्कुल अनजान बनी हुई है उन लोगों की तरफ से। टीबी की दवाई आपको पता है बहुत ज़रूरी है, वो डॉज रखा ही इसलिए गया कि मरीज आए सामने दवाई खाए। अब आप उन मरीजों के बारे में सोचिए ना, जिन्हें आप प्रशिक्षित लोग दवाई दे रहे हैं वो खा रहे हैं बेचारे, ये जिनको नहीं मिल रही, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी टीबी डॉज प्रोवाइडर नहीं है, इसका दोषी ये सरकार है, दिल्ली सरकार है, जिसने उस डॉज प्रोवाइडर को यहाँ बिठा रखा है कि तुम यहाँ हड़ताल करो, तुम्हारे बगैर कोई भी ऐरा गहरा दवाई दे दे। ना वो दवाई की जानकारी रखता है ना कुछ रखता है, लेकिन ये दिल्ली सरकार पूरी तरह से इस हड़ताल की जिम्मेदार है। मतलब आपको ये किसने कहा कि जो आपकी फाइल है हमने यहाँ से जो है एलजी को भेज दी है और एलजी की अप्रूवल होनी बाकी है, तो ये आपको किसने आश्वासन दिया है? सर, स्वास्थ्य माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछली 24 तारीख को हमें बुलाया था यूनियन वालों को, और ये कहा था, उन्होंने एक नोटिंग भी दिखाई थी, उन्होंने ये माना है, स्वास्थ्य मंत्री ने माना है कि इनकी जो मांग है वो जायज है और ये रेगुलर के बराबर काम करते हैं, और उन्होंने लिखा है कि मैंने उन्होंने लिखा कि इनकी मांगे मानी जाएं और ये सर्विस मैटर है, इसलिए फाइल एलजी को दे दी है। और 24 तारीख से सर आज क्या तारीख हो गई है, हम ऐसे घूम रहे हैं कि एलजी के यहाँ से कब फाइल आएगी, कब क्या होगा, जिसका काम का हमें कुछ नहीं लेना देना, हम तो दिल्ली सरकार को जानते हैं बस, एलजी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। और दिल्ली सरकार के ऊपर निर्भर करता है, वो 2700 लोगों को सड़क पर बिठाना चाहती है या जहाँ उनकी जगह है, जहाँ उनका स्थान है वहाँ बिठाना चाहती है। सारी डिस्पेंसरियाँ सफ़र कर रही है, दिल्ली का स्वास्थ्य बिल्कुल सफ़र करे, डेंगू चिकनगुनिया वायरल का सीज़न है, पीलिए का सीज़न है, और लोग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं सड़कों पे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं दिल्ली में स्वास्थ्य के क्या हालात हैं। धन्यवाद।